प्रेस कॉन्फ्रेंस कन्वीन की गई है। इसका जो मकसद है वो इलेक्शन 2019 में जो जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके हवाले से कुछ अहम चीज़ें हैं वो जनता के साथ और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर करना है और सिटीजन के साथ शेयर करना है। आपको मालूम होगा एक टर्म रिसेंटली यूज़ हुई है, वोटर वेरिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, VVIP। वोटर वेरिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम जो है, इसके तहत जो हमारे वोटर्स हैं, ताकि कोई भी वोटर लेफ्ट आउट ना रहे, इलेक्टोरल रोल के अंदर हर वोटर अपने आप को अपना नाम दुरुस्त पाए, पहले अपने आप को पाए और उसके बाद अपने जो नाम है उसको दुरुस्त पाए, उसकी जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी करेक्ट हों। जैसा कि वर्ड कहता है वोटर वेरिफिकेशन, तो वोटर्स की जो डिटेल हैं, चाहे वो फॉर्म 6 की होती हैं, किसी कोई न्यू रजिस्ट्रेशन है या कोई ट्रांसपोजिशन है, किसी का एड्रेस चेंज हुआ है या वोटर आईडी डिटेल्स, तमाम जो डेटा है वोटर के रिलेटेड वो सारा डेटा इलेक्टोरल रोल में तो होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार वोटर को पोलिंग स्टेशन पे जाकर मालूम होता है कि मेरा नाम गलत है। कई बार उसको जाके पता चलता है कि उसका फोटो जो है वो किसी, नाम उसका है लेकिन फोटो किसी और का है। कई बार उसको पता चलता है कि उसका सीरियल नंबर मिसिंग है या उसका नाम जो है जो एग्जिस्टिंग वार्ड है वहाँ नहीं है बल्कि दूसरे वार्ड में। तो तमाम किस्म के जो इश्यूज़ वोटर्स इनकाउंटर करते हैं पोलिंग डे वाले दिन, उन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए सिटीजन फ्रेंडली मैनर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने VVIP वोटर वेरिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। कई टेक्नोलॉजी इनपुट्स जो हैं इसका हिस्सा हैं, जिनमें एक वोटर हेल्पलाइन है जिस पर वोटर अपनी ग्रीवांस इमीडिएटली लिख सकता है और उस ग्रीवांस को आगे एड्रेस करने के लिए चैनल्स हैं। सिमिलरली 1950 एक ब्रेक थ्रू एप्लीकेशन है जिसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट रजौरी में भी इसी तरीके से यहाँ पर 1950 डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर जो है एस्टेब्लिश कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर में कोई भी वोटर या पोटेंशियल वोटर अपनी जो भी ग्रीवांस हो वो वहाँ अपनी ग्रीवांस रजिस्टर करवा सकता है। इसमें मुख्तलिफ पहलू हैं, वोटर हेल्प 1950 का मैंने जिक्र किया, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सी विजिल, सिटीजन विजिलेंस के लिए, ताकि जो वोटर हैं वो, हमें अक्सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की शिकायत मिलती है जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें कई सारी कंप्लेंट जो है फ्रीविलस होती हैं। उससे एक तो जो इलेक्शन मशीनरी है उसका टाइम भी ज़ाया होता है और साथ साथ जो कंप्लेंट करने वाला है उसकी रिस्पांसिबिलिटी भी, फॉल्स कंप्लेंट या फ्रीविलस कंप्लेंट की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती। तो लिहाजा सी विजिल जो है ये एक ऐसी एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है जिसमें वोटर, अगर कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायोलेशन कहीं पर भी हो रही है तो उसके एक्चुअल जो लाइव डेटा है वो उसमें कैप्चर होगा और वोटर के जो कंप्लेनेंट है वो पता चलेगा कि कंप्लेनेंट जो कंप्लेंट कर रहा है उसमें एविडेंस भी उसकी दे सकता है। मिसाल फॉर एग्जांपल कोई अगर गाड़ी पकड़ी गई है या मुख्तलिफ जो चीज़ें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ज़ुमरे में आती हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायोलेशन के ज़ुमरे में आती हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं उनको वोटर उसी वक्त कैप्चर करके हमें लाइव भेज सकता है, उसमें वीडियो शेयर कर सकता है, उसमें फोटोग्राफ्स भेज सकता है, तो एकदम एविडेंस होती है। और जैसे ही वो एविडेंस आएगी तो उसके बाद जो हमारा फ्लाइंग स्क्वाड है या जो इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड है वो सारे का सारा जो स्क्वाड है वो इसमें हमारा रहेगा और फिर फाइनल डिसीजन जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर ने उसमें लेना होता है और फाइनल डिसीजन उसका जो रिड्रेसल होगा ग्रीवेंस का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायोलेशन का, वो किया जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि एक और एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन भी है, वो PWD है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो स्पेशली एबल्ड वोटर्स हैं उनके लिए, उनकी रजिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी ग्रीवांसेस को एड्रेस करने के लिए PWD जो ऐप है उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी अपने आप को रजिस्टर भी करवा सकते हैं, अपने जो वोटर डिटेल्स हैं, करेक्शंस हैं वो भी करवा सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को अगर इलेक्शन पोलिंग डे वाले दिन व्हीलचेयर की ज़रूरत है तो वो PWD ऐप के थ्रू हमें वहाँ रिक्विजिशन भेज सकता है। रिक्विजिशन भेजेगा कि मैं इस पोलिंग स्टेशन में मेरा वोट है, मुझे वहाँ व्हीलचेयर दरकार है, तो हम व्हीलचेयर प्रोवाइड करेंगे। तो
वीवीआईपी के हवाले से वोटर वेरिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम जो है ये बहुत अहम कदम है एक वोटर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का, वोटर्स को एनेबल करने के लिए और हेल्दी इलेक्टोरल रोल पोलिंग डे वाले दिन ये यकीनी बनाने के लिए कि वोटर रोल जो इलेक्टोरल रोल है वो हेल्दी है और हर वोटर अपना नाम दुरुस्त पाए, सही जगह पाए और जिस पोलिंग स्टेशन में उसका नाम होना चाहिए वो वहीं पाए। इन तमाम स्टेप्स के हवाले से चाहे वो वोटर हेल्पलाइन हो, चाहे वो 1950 हेल्पलाइन नंबर हो, चाहे वो सी विजिल हो या पीडब्ल्यूडी हो, पीडब्ल्यूडी ऐप, ये तमाम जो इकदाम हैं टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स और टेक्नोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन और वोटर के लिए टेक्नोलॉजी किस तरीके से एक एनेबलर हो सकता है, एक फैसिलिटेटर हो सकता है, ये चीज़ बहुत अहम है और एक गेम चेंजर होगा। टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर होगा इलेक्शन जो 2019 में होने वाले हैं। आज के टाइम जो एक सिटीजनरी है बहुत विजिलेंट है और सिटीजनरी ने ऑलरेडी जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर लिया है, मुख्तलिफ मोबाइल ऐप्स को इस्तेमाल करना जानते हैं। तो इसी तरीके से इसी तर्ज पर चलते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वीवीआईपी एक प्रोग्राम है ये बहुत ही अहम और मुस्बत कदम है। सर काफ़ी परेशानी आती है इलेक्शन के दौरान, जो डबल वोटर जो इधर भी वोट डालते हैं दूसरी तरफ भी वोट डालते हैं, उनके ऊपर किस किस्म का? देखिए ये क्वेश्चन जो आपका आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटकर है, इस के लिए डबल वोटिंग या आपने कहा जैसे हमारे यहाँ पुंछ से कुछ लोग हैं या रजौरी का पुंछ में हो या ए डिस्ट्रिक्ट का बी में हो, बी डिस्ट्रिक्ट का ए में हो, इस तरीके के इस किस्म के जो इश्यूज थे उनमें इसको हिदायत दी गई थी कि वो वेरीफाई करें और वोटर को नोटिस, ऐसे जो डबल वोटर्स हैं उनको नोटिस इशू किए गए थे और वोटर्स ने ऑप्ट किया कि वो ए डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहते हैं या बी में रहना चाहते हैं, एक जगह से अपना नाम कटवाया है, एक जगह वो प्रेजेंट है। इसके बाद भी अगर कोई इस तरीके का केस होगा, जो टेक्नोलॉजी एज ए फैसिलिटेटर जो ये ऐप्स हैं इन सारी की बदौलत अभी हमारे पास टाइम है और जो वोटर्स हैं वो इन इश्यूज़ को एड्रेस करवा सकते हैं।